यदि आपके साथ भी कोई अपराध घटित होता है और उसकी FIR लिखवाने आप थाने जाते हैं, जैसे ही आप उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने जाते हैं और जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट लिखी जाती है, उसकी एक कॉपी आपको दी जाती है, तब आपको पता चलता है कि भाई FIR ना होकर NCR लिखी गई है। FIR और NCR में क्या अंतर होता है और कब FIR ली जाती है और कब NCR ली जाती है, इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी अपराध घटित होता है, अपराध को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में FIR ली जाती है और असंज्ञेय अपराध में NCR ली जाती है। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, संज्ञेय अपराध को समझते हैं। आपके साथ यदि कोई ऐसा अपराध होता है जिससे आपकी क्षति होती है और उसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जैसे गाली गलौच हुआ, मारपीट हुआ, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है डायरेक्ट, उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। असंज्ञेय अपराध वो आते हैं जैसे जमीनी संबंधी मामले जिसमें पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई ना करके पहले न्यायालय भेजती है, न्यायालय जैसा आदेश करता है वैसे ही पुलिस कार्रवाई करती है, वह असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। अगर कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो उसमें FIR ली जाती है और यदि कोई असंज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो उसमें NCR ली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके साथ संज्ञेय अपराध घटित हुआ है फिर भी NCR ले ली जाती है। इसका कारण यह होता है कि कभी कभी आपसी पारिवारिक लड़ाई हो रहती है जो बाद में समझौता हो जाता है, समझौता के द्वारा, राजीनामा के द्वारा उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। उसके लिए पुलिस क्या करती है, पहले NCR ले लेती है, अगर जरूरत पड़ने पर, अगर उसे महसूस होता है, जरूरत लगती है कि हाँ इनकी FIR करनी चाहिए तो NCR के बाद FIR ले ली जाती है। लेकिन यदि पारिवारिक मामला है या आपसी विवाद है, छोटा मोटा झगड़ा है जो राजीनामा के द्वारा समझा बुझा के उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो उसके लिए NCR ले ली जाती है। अगर फिर भी नहीं होता है सॉर्ट आउट मैटर तो उसको बाद में फिर FIR में बदल दिया जाता है। आई होप आपको FIR और NCR में अंतर समझ में आया होगा कि क्या होता है NCR, क्या होता है FIR। NCR में भी पेशी होती हैं, FIR में भी पेशी होती हैं, NCR FIR से छोटी होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।